आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। ठेकेदारों द्वारा अवैध उत्खनन, तहसीलदार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। सोन नदी के किनारे कुछ ही दूरी पर हसौद में छात्रावास का निर्माण हो रहा है, जहां ठेकेदार द्वारा जेसीबी से रेत का अवैध उत्खनन कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर जांच करते हुए तहसीलदार कमल किशोर पाटनवर ने एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर को खनन की अनुमति नहीं होने पर जब्ती कार्रवाई की। साथ ही हसौद के सोन नदी में स्टाफ डैम निर्माण का काम चल रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्याओं से निजात मिल सके। वैसे तो इस निर्माण का उद्देश्य सोन नदी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा नदी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। निर्माण के लिए रेत रॉयल्टी से खरीदने के बजाय जेसीबी लगवा कर सोन नदी से ही जगह जगह खनन करके रेत डंप किया जा रहा है। हसौद से गुजरने वाली इस नदी पर जहाँ डैम का निर्माण हो रहा है, आज भी क्षेत्र के बहुत से लोगों द्वारा वहाँ नहाने का उपयोग किया जाता है, जिससे इस तरह बड़े बड़े गड्ढे करके रेत निकालने से हादसा होने का भी खतरा बढ़ रहा है। कुछ माह पूर्व ही ऐसे ही एक गड्ढे में डूबने से एक युवक की मृत्यु भी हो चुकी है। जब संबंधित मुंशी से इस मामले पर बात करने की कोशिश की गई, तो शासकीय काम है कहकर टालने की कोशिश की गई, परंतु इस मामले की जानकारी जब हसौद तहसीलदार कमल किशोर पाटनवर को हुई तो उनके द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच किया गया, जिसमें वहां उपस्थित मुंशी ने किसी प्रकार की रेत खनन की अनुमति नहीं होने की बात कही, जिस पर उपयोग किए जा रहे चेन माउंटिंग मशीन एवं करीब 70 ट्रैक्टर डंप किए गए रेत को तहसीलदार द्वारा जब्त किया गया है। जैसे शिकायत हो रहा था, रेत अवैध खनन किया जा रहा है सोन नदी के किनारे, उसी तारतम्य में हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान एक चेक स्टाफ डैम भर रहा था, वहाँ पर सोन नदी के किनारे से चैन माउंटिंग मशीन के द्वारा रेत अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा था, जिसके बारे में हमने पूछा कि इसका दस्तावेज लीगल दस्तावेज है कि नहीं, तो उनके द्वारा कोई लीगल दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके कारण उसको जब्त कर मौके में ही जब्त कर उन्हीं के सुपुर्द किया गया। और उसी मौके में लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर रेत डंप मिला, उसको भी जब्त करके उन्हीं के सुपुर्द किया गया। उसी तारतम्य में एक हॉस्टल बन रहा है इधर सोन नदी के किनारे, वहां पर भी एक जेसीबी के द्वारा दो ट्रैक्टर में रेत परिवहन कराया जा रहा था, उसके बारे में भी दस्तावेज मांगा गया, तो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको भी मौके में जब्त करके थाने के सुपुर्द कर दिया गया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।